गुड मॉर्निंग, मैं पुष्पा पारी DAV स्कूल से। क्लास थर्ड को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी विषय में है पार्ट दो, पंछी की चाह, और भाग दो। तो कल मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि हम सभी क्या चाहते हैं, स्वतंत्रता। तो यह जो पक्षी है क्या चाह रहा था, जो तोता था, यह भी स्वतंत्रता चाह रहा था। चाह माने होती है अभिलाषा, कामना, इच्छा। पंछी माने पक्षी जो आपके आकाश में विचरण करते हैं, उनको हम पक्षी कहते हैं। खग, बिहग, पक्षी, चिड़िया आदि का नाम देते हैं। तो आज इस कहानी के करवाऊंगी मैं शब्दार्थ। कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। अब आप देखो शब्दार्थ। शब्दार्थ, ठीक है। शब्दार्थ का अर्थ सबसे पहले हम जानते हैं कि शब्द और अर्थ, हमें शब्दों के अर्थ जानने होते हैं। तो सबसे पहला है आपके कथा वचन। कथा वचन क्या होता है? कथा सुनाना, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई जाती है, भागवत की कथा सुनाई जाती है। कथा सुनाना, ठीक है। जो पंडित जी होते हैं ना, सुनाते हैं ना आपके रामायण की कहानी, और उनको हम क्या कहते हैं? कथा वाचन करना। आवश्यक, आवश्यक माने होता है जरूरी। आवश्यक माने होता है जरूरी। आवश्यक माने होता है आपके जरूरी, ठीक है। आप देखो सुरक्षित माने होता है जहाँ खतरा न हो। सुरक्षित माने होता है जहाँ पर खतरा न हो। आपके पापा वगैरह पैसे अपने लॉकर में रखते हैं ना, जहाँ पे चोरी वगैरह का डर नहीं रहता है। जहाँ खतरा न हो, ठीक है। आप देखो चौथा है आपके है बातुनी। बातुनी बहुत ज़्यादा बोलने वाला है ना। बातुनी किसे कहते हैं? अधिक बोलने वाले को। अधिक बोलने वाले को हम क्या कहते हैं? बातुनी, अधिक बोलने वाला। अधिक बोलने वाले को हम क्या कहते हैं? बातुनी। उसके बाद में है स्वप्न। स्वप्न माने क्या होता है? सपना। स्वप्न माने होता है सपना, जो आप देखते हो ना कई बार रात में कि मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, मैंने खूब सारे फल खाए हैं, है ना? आप सपना भी तो देखते हो। फिर है विनयपूर्वक। विनय पूर्वक, विनय पूर्वक माने होता है आपके नम्रता से। नम्रता से अर्थात एकदम प्यार से बोलना, वो क्या होता है? विनय पूर्वक, है ना। किसी से आप बहुत प्यार से बोलते हो। मात्र माने केवल। मात्र माने केवल या सिर्फ। मात्र माने केवल, कहते हैं ना मात्र 10 रुपये, अर्थात केवल 10 रुपये। मात्र मुझे एक चीज चाहिए, मनोरंजन। मनोरंजन माने मनोरंजन। मनोरंजन माने होता है आपके मजा या मन बहलाओ, मजा लेना या मन बहलाओ। मन बहलाओ। साधन माने होता है जरिया। साधन, साधन माने माध्यम या जरिया। हमें
जीने के लिए से रोटी पानी ये सब चाहिए, क्या हमारे ये साधन है। अब है स्वतंत्र माने आजाद। स्वतंत्र माने क्या है? आजाद। स्वतंत्र माने आजाद। अब है पंछी माने पक्षी। अब चाह माने क्या है? इच्छा। ठीक है, ये आपके शब्दार्थ पूरे होते हैं। अगर आपको और कुछ कठिनाई हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, देखो कथावाचन माने होता है कथा सुनाना, आवश्यक माने जरूरी, सुरक्षित जहाँ खतरा न हो, बातुनी अधिक बोलने वाला, सपना नम्रता से, मात्र केवल, मनोरंजन मजा या मन बहलाव। अब हम देखते हैं मौखिक प्रश्न। क्या देखते हैं? मौखिक प्रश्न। मौखिक माने होता है जो मुंह से बोलकर बताया जाए, तो वो होते हैं मौखिक प्रश्न। आपने कहानी पढ़ी है उसी के अनुसार कुछ प्रश्न के आपको उत्तर बताने हैं। तो देखो पहला प्रश्न है, तोते की विशेषता बताइए। तोते की विशेषता क्या थी? कि वह तोता बातुनी था। पंडित जी ने उसको बहुत बातें सिखा रखी थी और वह तोता क्या था? बातुनी था, इसलिए लोगों को पसंद आता था। पंडित जी ने किसी को भी तोता क्यों नहीं बेचा? पंडित जी ने किसी को भी तोता इसलिए नहीं बेचा क्योंकि वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए थे, उससे लगाव रखते थे, है ना, उसकी सुरक्षा कर रहे थे। तोता क्या करना चाहता था? तोता आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहता था। तो ये आपके मौखिक प्रश्न हो पूरे हुए, ये आपको खुद स्वयं को लिखने हैं। अब आपको मैं बहुविकल्पी प्रश्न करा रही हूँ। देखो बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न इसमें प्रश्न नंबर आपके एक आता है। देखो ये है प्रश्न नंबर दो, सही उत्तर के सामने, सही उत्तर के सामने सही उत्तर के सामने सही का सही का निशान लगाइए। आपके सामने विकल्प दिए होंगे और जो विकल्प सही है उस पर सही का निशान आपको लगाना है। तो इसमें कै नंबर है, पहले कै नंबर में है पंडित जी बाजार से क्या लाए? पंडित जी बाजार से लाए एक, क्या लाए एक? तो आपके देखो विकल्प दिया है तोता। तोता लाए थे क्या आपके? मैना कि मैना लाए थे बताओ आप? तोता लाए थे कि मैना लाए थे कि गौरैया लाए थे? गौरैया। तो आपने कहानी में पढ़ा है पंडित जी बाजार से एक तोता खरीद के लाए थे, तो आपको तोते पर सही का निशान लगाना है। ठीक है ना?
मैना लाए नहीं थे, गोरैया लाए नहीं थे, तोता लेके आए थे। कुछ ही दिनों में तोता हो गया। अब आपके दूसरा है, कुछ ही दिनों में तोता हो गया। कुछ ही दिनों में तोता हो गया। क्या हो गया? आलसी। आलसी हो गया था क्या तोता? कहानी आपने पढ़ी है उसमें तोता आलसी नहीं हुआ है। बातुनी हो गया था क्या? बातुनी, तोता बातुनी हो गया था, ये सही है। कामचोर, काम तो करता ही नहीं था तो कामचोर कहाँ से होगा, है ना? कहानी में तो आया है कि तोता बातुनी हो गया था, तो हमने बातुनी पे सही का निशान लगा दिया। अब तीसरा है आपके, तोता चाहता था। तोता चाहता था, तोता क्या चाहता था आपको बताना है। कहानी आपने पढ़ी है, खाना खाना चाहता था क्या वो? नहीं, क्योंकि खाना तो पंडित जी उसको देते ही थे। अच्छा, तो खाना नहीं खाना चाहता था। बाजार घूमना, यदि वो स्वतंत्र होता तो बाजार घूमना चाहता, है ना? किंतु पक्षी क्या चाहते हैं? बाजार घूमना थोड़ी चाहते हैं, वो आकाश में उड़ना चाहते हैं। वो क्या चाहता था? स्वतंत्र होना, सही है ना? तोता बाजार स्वतंत्र होना चाहता था, न तो बाजार में घूमना चाहता था, न खाना खाना चाहता था। कहानी के अनुसार वह स्वतंत्र होना चाहता था। तो देखो बच्चों, आपने देखी आज शब्दार्थ और सही विकल्प वाले प्रश्न देखे। इनको सुंदर सुंदर अक्षरों में आप नोट करना और कहानी दोबारा से पढ़ना। मज़ेदार कहानी है, कहानी पढ़ोगे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर उसमें मिलेंगे, ठीक है? और यदि कोई समस्या हो तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।